गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर सेकेंड चैप्टर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. तो वी हैव लर्न, हमने पाया दैट अर्थ इज़ स्फेरिकल इन शेप. अर्थ का जो शेप है वो राउंड है और द ग्लोब है इज़ ऑल्सो डिज़ाइन इन द सेम वे. ग्लोब को भी हम इसी वे से डिज़ाइन करते हैं. वी ऑल्सो नो दैट द अर्थ रोटेट्स ऑन एन इमेजिनरी फिक्स्ड लाइन कॉल द एक्सिस. हमें ये भी पता है कि अर्थ अपने एक फिक्स्ड इमेजिनरी लाइन्स पे रोटेट करती है जिसको हम एक्सिस बोलते हैं. और जो एक्सिस भी है वो हल्का सा टिल्टेड है, घुमा हुआ है 23.5 डिग्री एंगल पे. और इसीलिए हैंस ग्लोब इज़ ऑल्सो टिल्टेड. और इस वजह से ग्लोब भी थोड़ा सा टिल्टेड बनाया जाता है एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्रीज पे. द नदर मोस्ट पार्ट ऑफ द एक्सिस, और जो नदर मोस्ट पार्ट ऑफ द इसका एक्सिस का उसको नॉर्थ पोल कहते हैं. और जो सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द एक्सिस जो होता है वो साउथ पोल कहलाया जाता है. और टू फाइंड लोकेशन और सेकेंड पैराग्राफ, इसके किसी भी लोकेशन को पाना पाने के लिए एंड डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस, किसी प्लेस के डायरेक्शन को पाने के लिए हम जो है ग्लोब को यूज़ करते हैं. वी यूज़ ग्लो प्लेस ऑन अ ग्लोब, वी यूज़ सर्टन इमेजिनरी लाइन्स. हम कुछ इमेजिनरी लाइन्स को यूज़ करते हैं और ये जो लाइन्स होती हैं रियली एग्जिस्ट नहीं करती हैं अर्थ पर, लेकिन बट आर सर्कल्स. ये लेकिन सर्कल्स के रूप में ड्रॉन की जाती हैं, मतलब एक तरह से इमेजिनरी. हम इसको सोचते हैं कि इमेजिनरी ये ड्रॉन है पूरे अर्थ में. तो इसलिए ये जो लाइंस होती हैं जिनको हम सिर्फ मानते हैं, इमेजिन करते हैं, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं. और ये हमें लोकेट करने मदद करती हैं कि किस तरह से हम किसी डायरेक्शन को या किसी प्लेस को फाइंड आउट कर सकें. दे आर वेरी यूजफुल टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ और टू गिव डायरेक्शंस अबाउट अ प्लेस. वी शुड नो, हमें ये भी जानना चाहिए, द इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी लाइन. इक्वेटर जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है राउंड द अर्थ, अर्थ के राउंड पे. इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पोल्स, और ये पोल्स के जो है वो इक्वी डिस्टेंस में चलती है, मतलब पोल्स के तक ये सारी जो आपके लाइंस हैं इक्वेटर में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आ जाती हैं वो एक दूसरे से जो उनका डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल बराबर का होता है. और इनको पोल से, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट सर्कल. और ये जो आपका इक्वेटर है इसको हम ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं. अब पैरल्स ऑफ और लैटिट्यूड्स, अब इसको नाउ तो आपको जो थर्ड टॉपिक है दैट वी विल कवर, इसको हम बोलते हैं पैरल्स और लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स और पैरल आर सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस. ये एक सेट होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस की, मतलब कई लाइंस होती हैं हॉरिजॉन्टल, जिसको हम सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं. और ये हमेशा ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं अक्रॉस द ग्लोब. पूरे ग्लोब में ये हमेशा ईस्ट टू वेस्ट मूव होती हैं. और इनका जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द लैटिट्यूड्स इज़ इक्वल. और जो इनमें एक दूसरे के प्रति जो एक के बाद एक की जो दूरी होती है वो बिल्कुल सेम होती, मतलब सॉरी इट्स मतलब इक्वल होती है. कोई ऐसा नहीं है कि एक की दूरी कुछ है, दूसरे की दूरी से थोड़ी कम हो गई, तीसरे की दूरी से ज़्यादा हो गई, मतलब ये इक्वल डिस्टेंस पे एक दूसरे से होते हैं. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जिनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं, ये एक दूसरे से बिल्कुल सेम इक्वल डिस्टेंस, इसीलिए उनको बोला जाता है. द लेंथ ऑफ द पैल्स और लैटिट्यूड्स कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. ये इनका जो लेंथ होती है, इनकी जो आप यू कैन से की जो लंबाई होती है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है. कम टू द नेक्स्ट पेज नाउ. इनकी जो लंबाई होती है वो एक दूसरे से कम होना शुरू हो जाती है जब हम सेंटर से पोल्स की तरफ मूव होते हैं. और दे नेवर टच और क्रॉस वन अनदर, ये कभी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं या एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं. वी शुड नो, अब आपको ये भी जानना चाहिए, द वर्ड लैटिट्यूड कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड लेटर्स. और ये जो लैटिट्यूड है वो वर्ड जो है लेटिन वर्ड से निकला है लेटर्स, लेटर्स से ये लैटिट्यूड निकला है. इसका मतलब होता है वाइड, वाइड मतलब होता है चौड़ा. इसके बाद लैटिट्यूड और पैरल डिवाइड्स द अर्थ इंटू टू इक्वल हाफ्स इज कॉल्ड द इक्वेटर. वो लैटिट्यूड जो अर्थ को दो समान भागों में डिवाइड करता है उसको हम इक्वेटर बोलते हैं. और इसका जो इट इज़ ऑल्सो द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ द लैटिट्यूड, और ये सबसे लंबी लाइन होती है लैटिट्यूड में मानी जाती है. और इसको हम ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं अर्थ में, ये ग्रेट सर्कल कहलाती है. एट द पॉइंट ऑफ द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल द पैरल्स बिकम जस्ट पॉइंट. और ये आपके नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे जो पैरल्स होती हैं यहाँ पे लाइंस ना रह के सिर्फ एक बिंदु के रूप में केंद्रित हो जाती हैं, बिंदु बन जाते हैं. इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सर्कल वो पूरे कंप्लीट सर्कल ना बन के सिर्फ बिंदु बन जाते हैं, मतलब एक यू कैन से डॉट बन जाते हैं. द इक्वेटर इज मार्क्ड ऑन द ग्लोब एज जीरो डिग्री लैटिट्यूड. और इक्वेटर जो हमेशा वो उसको जीरो डिग्री लैटिट्यूड माना जाता है. द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. जो जो इक्वेटर के नॉर्थ में आता है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और जो इक्वेटर के साउथ में आता है उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं.
इम्पॉर्टेंट पैल्स और लैटिट्यूड्स, ये आपके इम्पॉर्टेंट पैल्स हैं, जैसे अदर देन द इक्वेटर, इक्वेटर के अलावा जो आपके और लाइंस जो इसके पैल समांतर चलती हैं वो नॉर्थ पोल, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, देर आर फोर अदर इम्पॉर्टेंट पैल्स और लैटिट्यूड्स ऑफ द अर्थ। इक्वेटर के आप इक्वेटर के बाद भी या नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल के अलावा भी जो आपकी चार इम्पॉर्टेंट पैल्स हैं वो ये हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 degrees north of the equator, Tropic of Cancer at 23.5 degrees south of the equator, then Arctic Circle at 66.5 degrees north of the equator, Antarctic Circle at 66.5 degrees south of the equator. तो इन दिस वे ये जो आपका है सारा ये फोर जो हैं वो मूव होती हैं। Tropic of Cancer जो है आपका वो 23.5 degrees north of the equator में चलता है, Tropic of Capricorn at 23.5 degrees south of the equator चलता है, इन Arctic Circle जो है 66.5 degrees north of the equator चलता है, मतलब Tropic of Cancer के बाद की लाइन है, एंड देन Antarctic Circle at 66.5 degrees south of the equator, ये आपकी Tropic of Capricorn के बाद की लाइन होती है, मतलब इक्वेटर से ये दोनों लाइन नीचे की हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल। तो इस तरह से आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल्स आर ऑल्सो कॉल्ड पोलर सर्कल्स, और इनको हम पोलर सर्कल्स भी बोलते हैं। इस तरह से नाउ वी जस्ट मूव टू अवर अनदर पेज, दैट इज़ अवर 17th पेज नाउ। देखिए आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द पैल्स, इनके क्या जो इन पैल्स पैरल्स हैं इनका क्या गुण हैं, क्या फीचर्स हैं, तो यहाँ पे आपका सबसे पहला पॉइंट जो है, देर आर 181 पैल्स ऑफ विच 90 आर इन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड 90 इन द साउथ। ये टोटल नंबर में कितनी होती हैं, 181 होती हैं, क्योंकि ये 90 तो नॉर्थ में पाई जाती हैं और 90 जो हैं साउथ में पाई जाती हैं, और एक इक्वेटर को जोड़कर ये 181 पैल्स हो जाते हैं टोटल ऑल। देन सेकेंड आपका है जो पैल्स है कंप्लीट सर्कल्स होते हैं, और एक्सेप्ट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, ये पूरे कंप्लीट सर्कल्स, मतलब पूरे जहाँ से चलते हैं पीछे की तरफ जाते हुए पूरे कंप्लीट सर्कल बनाते हैं। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे ये कंप्लीट नहीं बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक डॉट के रूप में ये केंद्रित हो जाते हैं। द इक्वेटर फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट सर्कल, जो इक्वेटर है सबसे लंबा सर्कल इक्वेटर होता है। और थर्ड पॉइंट है आपका, ऑल पैल्स आर लोकेटेड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, सारे पैल्स जो होते हैं वो उनकी जो दूरी होती है एक दूसरे से वो बराबर होती है, और जो लेंथ ऑफ द पैल्स कीप डिक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स, और जो इनकी लंबाई होती है वो कम होती जाती है जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलते हैं, लंबाई कम हो जाती है लेकिन दूरी जो है वो बराबर होती है। दीज लाइन्स नीदर टच और क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट, लेकिन ये लाइन्स जो होती हैं कभी भी एक दूसरे को टच या क्रॉस नहीं करती हैं। नाउ द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स, मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड आर अ सेट ऑफ सेमी सर्कल इमेजिनरी लाइन्स, और ये जो है आपकी सेमी सर्कल इमेजिनरी लाइन्स होती हैं जो कि नॉर्थ टू साउथ चलती हैं ऑल अराउंड द ग्लोब, पूरे ग्लोब पे, और दे आर ड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ बनाई जाती हैं। इन 1884 में ये डिसाइड किया गया कि मेरिडियंस को भी जो डिसाइडेड टू नंबर, इनको एक नंबरिंग इनकी करी जाए मेरिडियंस की, तो स्टार्टिंग विद अ मेरिडियन डैट पास थ्रू ग्रीनविच, और इसलिए ग्रीनविच से जो सबसे स्टार्टिंग जो मेरिडियन बनाया गया वो ग्रीनविच पे बनाया गया जो कि नियर लंडन है। ग्रीनविच इज़ अ प्लेस जो है, एक प्लेस है लंडन के पास, और इसको ज़ीरो डिग्री मेरिडियन बनाया गया और प्राइम मेरिडियन बनाया गया। और प्राइम मेरिडियन का काम ये होता है डिवाइड द अर्थ इनटू, जिस तरह से आपका इक्वेटर डिवाइड करते हैं नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, वैसे ही जो आपका प्राइम मेरिडियन है वो आपके अर्थ को डिवाइड करता है दो पार्ट्स में, दैट इज़ ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। दैट इज़ द मेरिडियन, ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज मार्क्ड एज ईस्ट एंड दोज वेस्ट ऑफ इट आर मार्क्ड एज वेस्ट, वेस्ट मार्क किए जाते हैं ई, एंड दोज वेस्ट ऑफ इट आर मार्क्ड एज डब्ल्यू। The meridians 180 degree east and the meridian 180 degree west is one and the same. ये जो आपका जो meridian 180 degree east और and the meridian 180 degree west एक होता है, is one होता है and the same होता है, और मतलब बिल्कुल एक जैसा होता है। It is known as a international date line, और इसको हम international date line भी बोलते हैं। So class, हम यहाँ पर आपका 17 पेज पर stop करते हैं, और आगे के पेजेस को वी विल ट्राई टू फिनिश एट अवर नेक्स्ट टर्न। तो क्लास, टिल देन क्लास, गुड बाय क्लास फॉर देम।